क्या माता इस स्थिति में? माँ 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 धर्मशील मिथिला नरेश जनक की पुत्री, पुण्यात्मा महाराज दशरथ की पुत्र वधु और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी, दुख की छाया भी सदैव जिनसे दूर रही होगी, आज उन्हें विरह की अग्नि में तपते हुए देखने को विवश है मेरे नेत्र। नियति की कैसी क्रूर क्रीड़ा है ये, उधर जल बिन मछली के भांति प्रभु श्री राम तड़प रहे हैं और इधर माता सीता प्राण बिन देह के भांति कांतिहीन हो गई है। मुझे इसी क्षण माता सीता को ये बताना होगा कि उनके स्वामी प्रभु श्री राम ने हनुमान को उनके लिए संदेश देकर यहाँ भेजा है। ये क्या था? यहाँ कोई आसपास है क्या? इन राक्षसियों के समक्ष माता के समक्ष जाना उचित नहीं है। मुझे माता के एकाकी होने की प्रतीक्षा करनी होगी। ये कौन आ रही है माता सीता के निकट? कहीं ये माता को प्रताड़ित ना करें। देवी सीता, मैं अनिला हूं, दशानन लंकेश के भ्राता विभीषण की पुत्री। जनाब, मेरी माता को ज्ञात हुआ कि आपने भोजन आदि का त्याग किया हुआ है, अतः उन्होंने आपके लिए ये शुद्ध एवं स्वच्छ फल आदि भिजवाए हैं, कृपया करके इन्हें ग्रहण कीजिए। विभीषण जी की पुत्री अनिला कदाचित अपने पिताश्री की ही प्रतिछाया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। ऐसा ना कहिए देवी, कुछ तो ग्रहण कीजिए। ऐसे आप कब तक उपवास करती रहेंगी? जब 10 माह से कुछ ग्रहण नहीं किया तो अब क्यों ग्रहण करूं? उनकी सहृदयता के लिए उन्हें धन्यवाद कहना। इतनी पीड़ा, एक ओर विरह का दुख, दूसरी ओर क्षुधा, 10 माह से भोजन का त्याग, सत्य है नारी की सहनशीलता की कोई सीमा नहीं। माता, आपकी तपस्या को नमन है मेरा। मुझे मात्र मेरे स्वामी की प्रतीक्षा है, भले ही मेरे प्राण मेरी काया क्यों न छोड़ते, किंतु तब तक एक ग्रास भी नहीं ग्रहण करूंगी जब तक मेरे स्वामी यहाँ आकर उस दुष्ट रावण को उसकी करनी का दंड नहीं दे देते। सीता, लंकेश का नाम आदर से ले, समझी? देवी सीता, ताक्षी लंकेश के विरुद्ध कुछ भी कहना आपके लिए हितकर नहीं होगा। लंकेश कभी भी किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं। Thank you.
ये कैसी ध्वनियां हैं? प्रसन्नता से अपने भाग्य को स्वीकार कर ले सीता। सुखी रहोगी सुखी, राज करोगी राज। तुम्हारे भाग्य का निर्णय करने आ रहे हैं स्वयं दशानन महाराज रावण। वो देखो, लौह पर स्वर्ण की परत चढ़ा देने से लौह स्वर्ण नहीं हो जाता। तुम्हारी ये भव्यता तुम्हारी दुष्टता को नहीं छिपा सकती राक्षस राज रावण। एक पतिव्रता नारी के समक्ष वैभव का प्रदर्शन, ये प्रलोभन माता सीता को नहीं डिगा पाएगा मूर्ख रावण। हमसे मुंह मोड़ लिया क्यों? यदि रावण ने माता सीता को तनिक भी क्षति पहुंचाने का प्रयास किया तो क्यों भयभीत हो रही है मिथिला की राजकुमारी? हम तो केवल आपको रानी बनाना चाहते हैं। इसमें हमने क्या अपराध किया? हाँ अपराध तो हुआ है, किंतु वो अपराध आपके इस मोह लेने वाले रूप से हुआ है। अपराध आपके इन खंजन नैनों से हुआ है। कटकामिनी कजगामिनी, अपराध हुआ है तो आपके शीतलता प्रदान चंद्र वदन से हुआ है। जिसके मोह पाश में बंधा हुआ मैं महाबली महाऐश्वर्य शाली लंकेश बता पीछा चला आता हूं। अपनी मृत्यु की ओर खींचे चले आ रहे हो तुम रावण। देखो सुंदरी, मैं किस किस को लाया हूँ यहाँ? केवल आपकी, आपकी सेवा करने के लिए। देव कन्याएं, यक्ष गंधर्व कन्याएं, ये सब मेरी भांति आपकी दास बनने को व्याकुल हो रही हैं। यहाँ तक कि पटरानी मंदोदरी भी। यदि आप चाहें तो हम इन सब का त्याग भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो बस एक बार आकर प्रेम भरी दृष्टि से एक बार तो देख लो किस प्रतापी वेदों का क्या था।
महाबली रावण का प्रस्ताव विगत 10 माह से निरंतर ठुकराती जा रहे हैं आप, और मैं बेचारा बावला दिन रात मात्र आप ही के विषय के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे असीम प्रेम का इतना अनादर ना करो जनक नंदिनी। दुष्ट रावण, तुम्हारा सौभाग्य है जो मुझे प्रभु श्री राम ने अनुमति नहीं दी, अन्यथा मैं इसी क्षण तुम्हारे इस पापी मुख से तुम्हारी जिह्वा निकाल लेता। हमारी जिह्वा हर क्षण आपका ही नाम जपती रहती है, हमारे हृदय में झांक कर देखिए, इसके हर स्पंदन में एकमात्र आप ही बसी हैं। ज्ञात रहे यह अशोक वाटिका हमें सबसे अधिक प्रिय है, किंतु फिर भी आपकी कोमल सुंदरता के योग्य नहीं। आपकी सुंदरता तो राजसी सुख एवं वैभव प्राप्ति के योग्य है, हर क्षण का आनंद उठाइए। स्मरण रहे मिथिला की राजकुमारी, बीता हुआ समय और जाता हुआ यौवन लौट के वापस नहीं आता। कोई ज्ञानी इतना पतित कैसे हो सकता है? शिष्टता की सारी सीमाएं लांग रहा है ये दुष्ट। अरे कैसी दयनीय स्थिति बना ली है आपने अपनी। क्षीण हुआ श्रृंगार, आभूषण विहीन दे, मैले हुए वस्त्र, पत्थर की शैया, अनवरत उपवास, क्या मिला आपको ये सब त्याग करके? मैं आपको ऐश्वर्य प्राप्त करा सकता हूँ, सारे वैभव प्रदान करा सकता हूँ जो कुबेर के स्वर्ण कोश में भी नहीं होंगे। वो वस्त्र दिला सकता हूँ जो इंद्र स्वर्ग में अपनी पति शची को भी ना दे सके। समस्त सुख संसार के मैं आपके चरणों में डाल दूंगा। विचार करिए, वो वनवासी जिसके लिए आप सब त्याग करके यहाँ बैठी हो, उसने भला आपको दिया ही क्या है? हाँ, वर्षों का वनवास और ये लंबी प्रतीक्षा। बहुत हो गया रावण, यदि कुछ और कहा माता सीता या मेरे प्रभु श्री राम के बारे में तो तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। भूल जाओ उस असभ्य नर को, त्याग दो अपना हट और मुक्त हो जाओ अपने दुखों से। मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर लो प्रिय, और निकाल कर फेंक दो अपने हृदय से उस नारायण नर को। शीघ्र ही ज्ञात करो वो जानकी कहाँ है जिसके बिना मैं अधूरा, और हनुमान
लंका में रावण की शक्ति और सेना का भेद पता कर मुझे पता। श्री राम, 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 श्री राम। किसके लिए अपना ये अमूल्य समय नष्ट करे जा रही हो? उस वलकल वस्त्र में लिपटे नर के लिए जिसकी विजय की कोई आशा नहीं, वो अपना राजपाट और भाग्य गवा कर वन वन भटकता है, धरती पर सोता है। ये तो शक्का हो रही है कि वो कहीं जीवित भी है कि नहीं। वो ना धन में, ना तप में, ना बल में, ना पराक्रम में, ना तेजस्विता में, ना यश में, किसी भी चीज में हमारी समानता नहीं कर सकता। एक कृष्णांगी और नर नहीं, लंकेश दशानन रावण है तुम्हारे योग्य, जिसने मानव ही नहीं, यक्ष, गंधर्व, नवग्रह सब पर विजय पाई है। और तुम उस भिक्षुक वनवासी की प्रतीक्षा कर रही हो जो मेरे समक्ष तृण मात्र से भी अधिक नहीं है। यदि तुम इतने ही पराक्रमी तो मेरे स्वामी के समक्ष मेरा हरण कर दे। क्यों चोर होकर लिप्त होना पड़ा तुम्हें? पहले तो मेरे स्वामी को छल से दूर किया मुझसे, फिर भ्राता लक्ष्मण को छल से दूर भेजकर उनकी अनुपस्थिति में हरण किया मेरा। प्रतापी ने कायर हो तुम रावण। कायर दुर्बल प्यार, तो मेरे स्वामी पुरुष सिंह श्री राम और साक्षात नरबाघ भ्राता लक्ष्मण का सामना कदापि नहीं कर सकता। कायर की नहीं, मूर्ख ही हो तुम रावण। तो मुझे स्वर्ण, माणिक और ऐश्वर्य आदि का प्रलोभन दे रहे रावण। अपना चित मुझसे हटाकर अपनी पत्नियों पर केंद्रित कर, क्योंकि एक पर स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाला तुम जैसा कुत्सित और निकृष व्यक्ति सबकी घृणा का पात्र तो बनता ही, स्वयं के पतन का कारण भी बनता है। क्या इस बात की शिक्षा तुम्हें किसी ने नहीं दी? स्वयं को वेदों का ज्ञाता कहते हो तो क्या मास्टर कंठस्थ किया तुमने वेदों को? उनका मर्म नहीं जाना? क्या तुम्हारे गुरु और तुम्हारे माता पिता ने यह नहीं सिखाया कि एक पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालना महापाप है? रावण, एक पर स्त्री पर कुदृष्टि डालकर तुमने जो अधर्म की अग्नि प्रज्वलित की है, वो तुम्हारी इस स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर मोम की भांति पिघला दी। बंद कर अपना ये प्रवचन।
कोई अधर्म नहीं किया है हमने, ये राक्षस संस्कृति है। छल से या बल से किसी की भी पत्नी का हरण कर सकते हैं हम राक्षस। यद्यपि बल का प्रयोग करके हम चाहते तो तुम्हें रश भी कर सकते थे, किंतु लंका में लाने के पश्चात हमने तुम्हें स्पर्श भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि तुम स्वयं अपने मन से हमें स्वीकार करो। किंतु अब मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है और तुम्हारा समय। हाँ, समय समाप्त होता जा रहा है तुम्हारा। क्योंकि यदि मेरे स्वामी यहाँ आ गए तो समझो तुम्हारा विनाश आ गया। इसलिए अभी जो समय तुम्हारे पास बचा हुआ है रावण, उसका सदुपयोग कर। शुद्ध हृदय होकर मुझे मेरे स्वामी को लौटा दे। उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग। क्षमा? हम मांगेंगे क्षमा एक साधारण मानव से। क्षमा हमारे शब्दकोश में ही नहीं है, क्योंकि रावण है हम। तो तुम यूं समझ लो रावण, मेरे हरण का दंड तुम्हारा मरण, तुम्हारा मरण, तुम्हारा मरण। जिन्हें तुम साधारण मानव समझ रहे हो, उनके धनुष की टंकार मात्र से ही तुम्हारी ये लंका थरथरा उठेगी। उनके कंक पत्र वाले तीर चीर दे तुम्हारी और तुम्हारे राक्षसों की छाती। मान लीजिए स्वामी, देवी सीता की बात, आप क्यों अपने विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं? विनाश तो अब तुम्हारा होकर ही रहेगा दुष्ट रावण। कहते हैं पुरुष स्त्री से जितना उन्होंने विनय करता है वो उसका उतना ही अधिक प्रिय हो जाता है, किंतु मैं तुम्हारे साथ जितने मीठे वचन बोलता हूँ तुम मेरा उतना ही तिरस्कार करती हो। तुम मेरी दया के योग्य नहीं हो। आज अभी मैं तुम्हें बलपूर्वक अपना बनाऊंगा। अन्यथा तुम्हारा अंत करके सदा के लिए तुम्हारी तृष्णा से मुक्त हो जाऊंगा। रावण यदि अब सीता माता को स्पर्श भी किया तो इसी क्षण तुम्हारा अंत कर देगा हनुमान।
अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना चाहते हैं। क्या आपको स्मरण नहीं है वो शाप जो नर कुबेर की गुहार के कारण ब्रह्मदेव ने आपको दिया था, जब आपने रंभा की इच्छा के विरुद्ध उन पर बल प्रयोग किया था। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के पश्चात यदि तुमने किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उस पर बल प्रयोग किया या उसका प्रयास भी किया, तुम्हारा शीश 7 भागों में खंडित हो जाएगा। तुम्हारी ये वासना ही एक दिन तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। मैंने बल प्रयोग किया और मेरे 100 टुकड़े, नहीं, श्राप सत्य भी हो सकता है। एक नारी का वध आप जैसे महाबली को बिल्कुल शोभा नहीं देता। यदि देवी सीता अपनी इच्छा से आपको स्वीकार नहीं करना चाहती, तो आप इन्हें पूर्ण सम्मान के साथ इनके पति के पास वापस भेज दें। इनके यहाँ रहने का अर्थ होगा एक बहुत बड़ी विपदा को आमंत्रण देना। विपदा आएगी किंतु मुझ पर नहीं, इस पर। सीता, तुम्हें जो अवधि मैंने दी थी उसमें 2 माह और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तत्पश्चात भी यदि तुम मेरी शैया में नहीं आए, मेरे कलेवा के लिए तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। अनुचरों, दाम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाओ, किंतु इस मिथिला के राजकुमारी को इतना विवश कर दो कि ये स्वयं नियमें अपनाने के लिए तत्पर हो जाए। दुष्ट मराना रहे, इस कार्य में असफलता का अर्थ है इसके साथ ही तुम सबकी मृत्यु भी। जी लंकेश। Ah!